ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की कोर्ट में लगातार तीसरे दिन हुई सुनवाई खत्म हो गई है। यह बुधवार को जिन दो अहम मसलों पर सुनवाई हुई उसमें हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद और उसके भीतर स्थित तहखाने की वीडियोग्राफी और सर्वे कराने की मांग रखी गई, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने के लिए एप्लीकेशन भी दी गई। सुनवाई सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सर्वे वीडियोग्राफी और एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। वादी पक्ष की ओर से अदालत से एडवोकेट कमिश्नर को मौका और मुआयना करने की अपील भी की गई है। इस मामले पे आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई आज, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई आज, आज कोर्ट सुनाएगा इस ज्ञानवापी मामले में सुनवाई आज, आज कोर्ट सुनाएगा फैसला। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता वाराणसी से दुर्गेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। जी दुर्गेश, बताइए क्या कुछ अपडेट है, सुनवाई आज होनी है। जी अर्चिता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 7 मई को सर्वेक्षण का फैसला ज्ञानवापी मस्जिद और सिंगार गौरी का सर्वेक्षण के लिए टीम पहुंची थी, अगर बात की जाए तो खसरा नंबर 9130 का है और जिसमें सिंगार गौरी और जो ज्ञानवापी मस्जिद आता है, और जिस तरह से दोनों पक्षों में सात मई को जिस तरह से दोनों तरह से नारेबाजी हुई, जिस तरह सर्वेक्षण टीम पहुंची, मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है ज्ञानवापी सर्वेक्षण के लेकर, जो कि अधिवक्ता कमीशन हटाने को लेकर, तो ऐसे तमाम तरह से जो सोमवार को जो याचिका डाली गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तो ऐसे सुनवाई सोमवार को हुई, मंगलवार को हुई और अंतकाल में बुधवार को जो सुनवाई हुई है उसका फैसला आज बृहस्पतिवार को 12 बजे आना है। तो ऐसे तमाम तरह से कहा जा सकता है कि काशी वासियों के लिए ये आज बहुत ही बड़ा फैसला माना जाएगा कि जो कोर्ट आज सर्वेक्षण के लिए ये फैसला सुनाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बैक ले जाना चाहूंगा कि जिस तरह से 7 मई को 26 अप्रैल को डेट आई थी कि 7 मई को सर्वेक्षण होगा, अधिवक्ता कमीशन भी नियुक्त किया था, अजय मिश्रा को नियुक्त किया था, वो सर्वेक्षण के लिए गए थे। पहले दिन का जो सर्वेक्षण रहा उनका, वहां पे पहले दिन का जो सर्वेक्षण गामा गामी में रही, एक तरह से मुस्लिम पक्ष ने नारेबाजी की, दूसरी पक्ष हिंदू पक्ष ने नाराबाजी हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अगर बात की जाए तो अधिवक्ता कमीशन जो अंदर जाने के बाद मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता रहे, पांचों अधिवक्ता रहे और हिंदू पक्ष के भी अधिवक्ता रहे, तो पहले दिन का जो सर्वेक्षण हुआ वो तो सर्वेक्षण हुआ जो बाहरी था, लेकिन जो 26/4 का जो सर्वेक्षण होना था जो मस्जिद के अंदर का जो सर्वेक्षण फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी थी, उसको लेकर मुस्लिम पक्ष तमाम तरह से अधिवक्ता कमीशन को जिस तरह से आरोप लगाया कि पार्टी लेवल की तरह काम कर रहे हैं, ये हिंदू पक्ष की तरह काम कर रहे हैं, तो ऐसे में तमाम तरह से लगा। लेकिन जो दूसरे दिन का मैं बता दूं, दूसरे दिन का जो सर्वेक्षण होना था ये बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि दूसरे दिन जब अधिवक्ता कमीशन पहुंचे तो जो करीब मैं आपको बता दूं कि 500 की तादाद में जो मुस्लिम थे वो मस्जिद को, जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको घेर कर खड़े हो गए थे, जो अंदर जाने को बैरिकेडिंग के अंदर जाने को अनुमति नहीं दिए, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे वो अब्सेंट हो गए और जो हिंदू पक्ष के थे वो रहे, तो ऐसे में तमाम तरह से जो अधिवक्ता कमीशन थे वो वापस चले आए। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो सात का जो था सात को मुस्लिम पक्ष ने
जन सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी कि जो कमीशन अधिवक्ता कमीशन उनको बदला जाए, तो ऐसे करीब मंगल सोमवार को जो अधिवक्ता कमीशन के लिए बहस चली थी, तो उसमें एक घंटे का जो बहस चली, एक घंटे में जो फैसला आया वो मंगलवार को टाला गया। तो ऐसे में मंगलवार को जो याचिका डाली गई थी, फिर मुस्लिम पक्ष से याचिका डाली गई थी कि जो एक घंटे का है तो अब जो जज है वो जाकर वहां सर्वेक्षण कर रहे हैं, उनकी देखरेख में हिंदू ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है वो जाकर वहां पे सर्वेक्षण की जाए। तो आज जो बुधवार को जो उनका फैसला हुआ, दोनों पक्षों के तरफ से जन सुनवाई हुई, करीब आधी घंटे चली, लेकिन आज जिस तरह से फैसला आना है 12 बजे आज आएगा फैसला। अब देखना है कि हिंदू पक्ष के लिए फैसला आता है किस तरह से सर्वेक्षण होता है या नहीं होता है, कि आज का भी जो डेट है फैसले का वो टल जाता है, ये तो समय ही बताएगा। जी हर्षिता जी, दुर्गेश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।